बताइए भाई, देख साफ दिख रहा है दिख रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी एज हमने रेशियो पढ़ लिया था, मिक्सर एलिगेशन पढ़ लिया था, प्रोपोर्शन पढ़ लिया था। आज क्या स्टार्ट करना है? एज एज या प्रॉब्लम ऑन एज एज, हिंदी में बोलते हैं इसको आयुष। साफ दिख रहा भाई? बिल्कुल क्लियर भाई, वाह। चलिए आप लोगों ने मोर लगा दी, इसका मतलब साफ होगा। अच्छा, एजेस जो होती है कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं। उस बेसिक पॉइंट पूछने से पहले मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, जिससे पूछूँ जवाब वही देगा, ठीक है? सारे नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन सुनना सबको है भाई। ये कहना है कि आपकी आयु आपके पापा की आयु से आधी है, या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं आपकी आयु की दुगनी आपके पापा की आयु। क्या दोनों बातें सेम है? सारे बोलो जिसको बात समझ में आ रही, नहीं आ रही तो बताओ। क्या बातें सेम है? सेम है हाँ भाई। अरुण हाँ सेम है हाँ। आपकी आयु आपके पिताजी की आयु की आधी है, यानी आपके पिताजी अगर 2 साल के हैं तो आपका रेशो 1 हो जाएगा। यानी या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं आपके पापा की आयु आपकी आयु की दुगनी है, बात सेम है, और आपकी आयु उनकी आयु की आधी। तो करीना बताओ, अगर तुम्हारे पापा 100 साल के होंगे जब तुम्हारी आयु कितने की होगी? 50 की होगी हैं? हाफ मेरे को नहीं पता, हाफ कितनी होगी? 50 होगी। 50 मुँह से बोलना है, ऐसे गर्दन से नहीं होता है। 50 होगी, 50, 80। तू 1 साल का है, तेरे पापा 2 साल के, पापा 100 साल के होंगे, तू कितने साल का होगा? नहीं। देखो बात को समझो, अगर पापा 2 साल के हैं और आप 1 साल के हो, और पापा जब 100 साल के होंगे तो आप कितने के होंगे? 99। अरे भैया, जब पापा की जब 98 बढ़ी है तो आपकी भी तो 98 बढ़ेगी, हाँ या ना? तो ऐसा कैसे कह सकते हो पापा 100 के तो आप 50 के हो जाओगे? आयु तो वही बढ़ेगी, ठीक है, ज़्यादा सुंदर लड़की उसकी बात मान सकते हैं। अगर सुंदर लड़की अगर वो 30 की होगी, उससे आप आयु पूछो तो हमेशा 16 की ही बताएगी, उसकी नहीं बढ़ती, वो बात अलग है। लेकिन क्वेश्चन में आपको बराबर बढ़ानी है, लड़का हो ची लड़की हो ची पापा हो ची मम्मी, बात समझ में आ गई? सबकी आयु जिस हमेशा अगर एक आदमी की जितनी बढ़ेगी दूसरे की भी उतनी बढ़ानी, बेसिक बात है। यानी दोनों का गैप यहाँ जितना है उतना ही 100 साल के बाद, उतना ही 90 साल के, उतना ही 95 साल के बाद गैप भी बराबर रहेगा। अगर आपको लाइफ में खुश रहना है, जैसे जैसे कोई शादीशुदा है उसको तो अभी बता ही देता हूँ, जो शादी जिसकी नहीं हुई उसको खुश रहना है, तो अपने घर के अंदर आपकी वाइफ अगर 70 की हो जाए तो उसको ये बोलना 16 की दिख रही हो तो खुश रहोगे, बढ़िया बढ़िया खाना बना के देती रहेगी, तो हमेशा लाइफ में दिक्कत रहेगी, ठीक है। हाँ, उसकी एज मत बढ़ाना, ठीक है। हाँ, जो आपका पार्टनर उसकी एज बिल्कुल कभी नहीं बढ़ानी है। तो आयु के कुछ बेसिक बातें मैंने पहली बात बताई है, आयु बराबर बढ़ेगी दोनों की, और दूसरी बात गैप हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है? जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 बिखरा पड़ा है बोर्ड के ऊपर, क्या कह रहा है लिखिए। द एज ऑफ अरविंद फादर इज 4 times हिज एज। अरविंद के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है, उसकी आयु की 4 गुनी। 5 years ago फादर एज वॉज 7 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन। 5 साल पहले पिता की आयु
उसके पुत्र के उस समय की आयु की 7 गुना थी। पुत्र की आयु की 7 गुना थी। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अरविंद फादर। अरविंद के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? अरविंद के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? सोच के बताना है। देखो तुक्का नहीं मारना है बिल्कुल भी, आप अच्छे बच्चे हो। 14 वर्ष नहीं है। भाई वाह, देखो एक बार स्कूल का तरीका बताता हूँ, हालांकि बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, फिर आपको अपना तरीका बताएंगे। देखो स्कूल क्या कहता है, माना लेट्स द एज ऑफ अरविंद। स्कूल ऐसे ही करा जाता है स्कूल में, तो हम क्या मान लेते थे, एक्स ईयर्स। तो फादर कितने बताए, कितने टाइम से उसके, 4 गुना। कोई दिक्कत यहाँ तक? 5 ईयर्स एगो। अगर तू आज 10 साल का है, 5 साल पहले कितने का था, कैसे किया, आधा कर देगा। तू आज 12-13 साल का है, 5 साल पहले कितना था, आधा कर। आज 13 का है, 5 साल पहले कितना था, 7.5। आज तू 13 साल का, 5 साल पहले कितने का था, आज तू 13 साल का है, 5 साल पहले कितने का था। भाई 13 में से 5 घटाएगा ना, घटा के तो आया नाला है। 5 साल पहले तो अरविंद एक्स माइनस 5 हो जाएगा, और फादर 4x-5, दोनों की बराबर घटेगी। ये नहीं कि अरविंद की तो 5 घटा दी, पापा की 4 ही घटा, वो बड़े हैं वो ना, बराबर। फिर कह रहा है उसके उसके पिताई की आयु की 7 गुना नहीं था, 4x-5, तो 7x, 7 को 5 से किया 35। ये यूज नहीं करना लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। 4x उधर जाएगा, 7 में से 4x गया, 35 इधर आएगा, प्लस का 35 का, 35 प्लस का 5 माइनस का कितना बचेगा, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई। देख बेटा यहाँ तक दिख रहा है, ये पूरा गोला दिख रहा है यहाँ तक, चलो ये भी चलो। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 10। अब पूछे किसकी आयु है, तो फादर की आयु, तो 4 गुना 10 कितनी होगी, 40। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कहोगे सर क्यों नहीं करना है, मेरी इच्छा नहीं करवाना। स्कूल का तरीका एक्स वाई तो बिल्कुल नहीं लगाना, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो टाइम ज़्यादा लगता है। सिंपल सी बात बताई थी मैंने आपको एक फंडा, कि हमेशा गैप बराबर रहता है, करना कैसे है वो देखो। देखो इसने दो बातें बोली है, एक तो अरविंद के पिता बोले हैं, दूसरा कौन बोला है, अरविंद। इसने बोला अरविंद के पिता की आयु उसकी आयु की कितनी गुना है, 4 गुना। क्लियर है बात? 5 साल पहले की बात करें तो ऊपर जाना है, पीछे बाद की बात करें तो इधर जाना है। कितना रेशियो बताया, 7। क्लियर है? अब जरा बताओ यहाँ गैप कितने का भाई, और यहाँ गैप, ऐसा हो सकता है? आज हम दोनों की आयु में 10 साल का गैप है, 10 साल पहले भी 10 का ही गैप था, 10 साल बाद भी 10 का ही गैप हो, बोलो क्लियर है बात? तो पहले तो गैप बराबर करो, बराबर करने इसको किससे ठोक दे, 2 से, 2 गुना 4, 2 गुना 1, गैप 6 आ गया, बराबर हो गया, इसकी सेवा होगी समाप्त। अब जरा बताओ 7 से 8 कितना, या 1 से 2 कितना, हमेशा बराबर आएगा। 1 की वैल्यू 5, प्रेजेंट में पूछा है तो 5 गुना 8 40 साल, और 5 गुना 2, अरविंद का पूछे 10 साल का था अरविंद, और पापा कितने साल के थे, ये इस सवाल का। अगर 5 साल पहले पूछे, देखो 5 गुना 7 35 के, बात समझ में आ गई,
टोटल छोटा टॉपिक है, अच्छी बात है, अलग अलग पढ़ रहे हो, समझ में आ जाएगा आराम से। बस तरीका समझना है, दिमाग में बैठाना है। चलो सर क्लियर है, मिटा दो। तो आप कह रहे हो तो मिटा देता हूँ भाई, मिटा दें। अब आपको ध्यान से बातें समझ में आने लग गई होगी तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। अगर उजाले में भी लालटेन लेके ढूंढा जाए तो इतने प्यारे बच्चे नहीं दिखते कहीं। क्वेश्चन लिखिएगा, द एज ऑफ रमेश इज 4 टाइम द एज ऑफ सुरेश। रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है। आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ रमेश विल ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। 10 साल बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी है। 10 साल बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी है। जो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश, सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कर, बताओ। शाबाश, भी गलत आ गया। अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया 10 सेकेंड के अंदर अंदर आंसर उठा के फेंक दोगे, नहीं बैठा तो फिर भगवान मालिक आप। 5 साल, बिल्कुल ठीक है। इसी दिन गिरे तो मन्नत करके आपके पिताजी ने आपको भगवान से मांगा था कि ऐसा बेटा देगी पहली बार में आंसर दे दे, इनकी मन्नत पूरी हुई नहीं। नया टॉपिक है, अब बीच में जो छुट्टी मारेगा उसका नुकसान होगा। हाँ भाई, 5 आ गया। हाँ भाई, पढ़ बेटा पढ़, तू पढ़, मार्क्स वाले लड़के क्या नाम है तेरा, पढ़। 4 टाइम सुरेश है, सुरेश की आयु से। अच्छा रमेश, अरे लिख तो लो भाई। हाँ फिर से पढ़, कितने टाइम बोली है? 4 टाइम। रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुना। आगे 10 साल बाद कितनी एज है? ट्वाइस है। अंतर कितना है मेरे भाई? यह अंतर, ये तो ना इंसाफी है। सबसे पहले अंतर को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। 3 से गुना करी, 3 से करी, गैप कितना आया? 3 बार। उसकी सेवा क्या हुई? समाप्त। 4 से 6 कितना बड़ा? 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 5। पूछा किसका है? ये तो 10 साल बाद है ना, ऊपर होती तो 10 साल पहले होती, वर्तमान में कितना सूर्य? तो 1 गुणा 5। बस ये भी चेक करना है आपको, कई बार आपको क्या नीचे यूज़ करना है, ऊपर यूज़ करना है। कई बच्चे साथ साथ उतारते हैं, साथ साथ नहीं उतारना, दिमाग के अंदर समझ नहीं आएगी चीज़ें। हाँ क्लियर है भाई वाले। दो चार 5 क्वेश्चन के बाद तो आदमी ऐसे करता है, सर भड़ो आगे कर लेंगे, बड़ा आसान है ना। क्या है, क्या है आसान? चलो बड़े आगे मिटा दें। चल क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स है को चंद्रावती मदर वॉज, चंद्रावती मदर वॉज 4 टाइम
ओल्डर देन हर डॉटर। देखो चंद्रावती, येमती, ऐसा नाम सिर्फ आपको उसमें मिलेंगे पेपर में देखने को, आज के टाइम में कोई नहीं रखता ऐसे नाम। 10 साल पहले चंद्रावती की माँ अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी थी। आफ्टर 10 ईयर्स मदर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन हर डॉटर। आफ्टर 10 ईयर्स मदर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन हर डॉटर। 10 साल बाद माँ अपनी बेटी से 2 गुना बड़ी हो जाएगी। 10 साल बाद माँ अपनी बेटी से 2 गुना बड़ी हो जाएगी। फाइंड द प्रजेंट एज ऑफ चंद्रावती। तो चंद्रावती की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो चंद्रावती की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शन में 15 है ही नहीं। 5 वर्ष 7 वर्ष बिल्कुल ठीक है, 100%। देखते ही आंसर आएगा अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नया टॉपिक से। धीरे धीरे जो नए बच्चे उनको बात समझ में आने लग गई होगी। अब तो 1-2 टॉपिक पूरे हो गए तो धीरे धीरे मैथ आने लग जाता है। एक्स वाई तरीका छोड़ना पड़ता है कि स्कूल में भी अब करंट में वही पढ़ के आए हो। पहला टाइम गैप बराबर करना है बस। क्या हुआ वाला, कोशिश का ही नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत हो गई? 10 साल पहले चंद्रावती की अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी थी, 10 साल बाद 2 गुनी थी, तो चंद्रावती की आयु पूछिए भाई। 10 साल बाद 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। कितनी 20 आई है, 20 आई है। आ गई, कितनी आई है? 20 आई है यार। हिंदी बोले किसी नहीं, बात अलग अलग है। प्रूव कर सकते हैं, पक्की बात है। हिंदी इंग्लिश में सेम बात होती है। एक के पिताजी का नाम था सुंदरलाल चड्डा। क्या नाम था? मैडम ने स्कूल में पूछा सुंदरलाल चड्डा बताओ, उसने उसके पापा का नाम बोला बेटा इंग्लिश में बताओ। अब लड़के को जैसी इंग्लिश आती थी, हमारे हरियाणा का लड़का था, उसने वैसे ही बताया मैडम करी गलत है। बोला क्या? बोला सुंदर का मतलब ब्यूटीफुल, लाल का मतलब रेड, और चड्डा का मतलब अंडरवियर, तो ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। बता इंग्लिश में गलत हुआ नहीं हुआ? बोला हाँ। चल आ रहा क्वेश्चन। देखो 10 साल पहले एक तो चंद्रावती थी, एक उसकी माँ थी, वही दो ही थे। क्या था? 10 साल पहले चंद्रावती की माँ उसकी बेटी से कितने गुना? 4 गुना थी। पाई वाह। और भैया 10 साल बाद दो एक अंतर तो हमेशा बराबर होगा, तो पहले तो अंतर को बराबर करने के लिए 3 से गुना, यही होगा। अब देखो 4 से 6 कितना बड़ा? अभी 2 की वैल्यू कितनी है? 20 की चीज़ें दोनों कितनी है बीच में? 10 और 10 20। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 2 की 20 है तो 1 की 10। पूछा क्या है? चंद्रावती गई, मान लो यहाँ से निकालते हैं तो कितनी आई? कब है वो 30? कब है 30 वो? 10 साल बाद 30 है, तो अब कितनी की होगी? 20 की। वर्तमान पूछिए, या फिर ऐसे निकालो 1 की वैल्यू 10। ये कब है? 10 साल पहले, तो 10 और जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगी। तो अब पूछिए अब चंद्रावती की आयु कितनी है? 20 साल। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस तो यूज़ करना ही करना। क्लियर है? कहाँ डाउट है बताओ? 10 साल बाद 2-2 बार क्यों है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मेरे को पढ़ समझ में नहीं आया, एक बार पढ़ के बताओ शाबाश। देखो 10 साल पहले कितनी थी और आगे? 4 साल नहीं, 4 गुना। देखो साल का मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और आगे 10 साल बाद माँ अपनी बेटी से 2 गुना, तो 2 बार 10 नहीं आया, एक 10 साल पहले, एक 10 साल
बाद, जैसे मान लो आज तुम 30 साल के हो, एग्जाम्पल मान लें 10 साल पहले 10 साल बाद, तो फ़र्क है ना दोनों बात, तो दोनों बात ये आगे समझ में आप। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो। तेरे से एक आध क्वेश्चन निकलता नहीं निकलता कभी बेटा, मेहनत कर ले। नहीं, एक मशीन ऐसी है मेरे पास, उसके अंदर डाल दिया तो सब एकदम फ्रेश होके निकलेगा, तो सब कुछ करने लग जाएगा। बोल क्या सर, डाल दो उस मशीन में, बोल एक बार। हैं, क्लास के बाद या क्लास से पहले बता। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बेचारी कन्या है, इनको तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा तो पढ़ लेंगी, लेकिन ना लाइक तुम्हें तो मशीन की ज़रूरत है, उस मशीन का नाम पता ही है। हाँ चलो नेक्स्ट लिखिए। 14 ईयर्स एगो राम वाज 4 times द एज ऑफ पंकज। 14 साल पहले राम की आयु पंकज की आयु से 4 गुना बड़ी थी। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज ट्वाइस द एज ऑफ पंकज, राम की वर्तमान आयु पंकज की आयु की 2 गुनी है। वट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज, वट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उनकी कुल वर्तमान आयु का योग कितना होगा। बताओ, शाबाश, टोटल पूछा भाई मैंने, कुल वर्तमान आयु का योग। 65 गलत आ रहा है, 49 भी गलत आ रहा है। इक्कीस भी गलत आ रहा है, 35 भी गलत आ रहा है। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ के फिर चेक कर एक बार शुरू से, पूरा नहीं लिखेगा तो ऐसा ही होगा। वो मशीन की तेरे को भी जरूरत है, साइल वाली मशीन की पक्का जरूरत है, मुझे पता है तेरी आदत सुधरेगी नहीं पूरे लिखने वाली। कल से तू यहाँ बैठेगा, अगली क्लास यहाँ बैठेगा, और मशीन तेरे साथ यूज हो जाएगी तेरे सर पे, वहाँ नहीं बैठेगा। सिक्सटी थ्री बिल्कुल ठीक है, आ गया भाई वाह। जिसका नया पढ़ के बताओ, चार चार आग वाली लड़की पढ़ के बताओ। सवाल 14 ईयर्स एगो, एक तो राम जी हैं, एक पंकज है भाई। 14 साल पहले राम कितना था पंकज का, 4 गुना था। आगे अब वर्तमान में कितना है, ठीक है टोटल बताना है वर्तमान में किस किस का, पंकज की आयु का और राम की आयु का, यही बताना है। देखो अंतर कितना, यह अंतर पहले तो अंतर बराबर करना है, तो बराबर करने इसको 3 से ठोक दें, 3 गुना 2, 3 गुना 1 अंतर, कोई दिक्कत है भाई। 4 से 6 कितना बड़ा, इस 2 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू 7। वर्तमान में पूछा टोटल, वर्तमान में दोनों का टोटल कितना, 6 और 3, 1 की 7 है तो 9 की 63। कई बच्चे अलग अलग निकाल के जोड़ते तो भी ठीक है, लेकिन टाइम बचाओ जैसे बचता है। टोटल पूछा, दोनों को 7 जोड़ के निकाल दो, बोलो ठीक है सर। आगे बढ़ जाओ, कर देंगे अब अगला क्वेश्चन। बढ़ जाएंगे, पक्का कर देगा अगला क्वेश्चन। चल मिटा दें, चल
क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है लिखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 50 years, 50 साल. पिता एवं पुत्र की आयु का कुल योग 50 वर्ष है. फाइव ईयर्स एगो फादर एज वाज 7 times द एज ऑफ हिज सन. 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी. एज ऑफ हिज सन 7 गुना थी. फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन रिस्पेक्टिवली और पिता पुत्र की वर्तमान आयु क्या है. दोनों की अलग अलग बतानी है. बताओ जरा. बयालीस 8 गलत आ रही. भाई वाह शाबाश. 47 और 13 का जोड़ कितना होता है. मार खाएगा भाई तू भी. बता दिया आज मैंने गुस्से में आज. जो हाथ के नीचे बैठे हैं वो ध्यान रखना, गलत बताओगे तो पिटोगे दोनों के दोनों. भाई वाह 35 और 5 कितना होता है और दोनों का जोड़ कितना है. 50 साल. इधर आ जा फटाफट. क्या क्वेश्चन है. आपके पिताजी की आयु और आपकी आयु. अरुण कितना दे रखा दोनों का जोड़. 50 साल है. सर अरुण से पूछ रहा हूँ मैं ये बातें. अरुण कितने साल बाद बोला है. पहले बोला है. कितने साल बाद बोला. चलो 5 साल. अब मुझे एक बात का जवाब तू ही देगा. तेरे और तेरे पिताजी की आयु 50 साल है तो 5 साल पहले दोनों की आयु कितनी होगी. तेरा नाम अरुण है. 5 साल पहले कितनी होंगी. हैं हाँ दोनों की. अरे इतना क्या सोच रहा है. 45 कितनी होगी. 45. नालायक हो. इतनी बुद्धि यूज करो. आज तुम्हारे तुम्हारे पापा की दोनों की आयु 50 साल है. 5 साल पहले तुम अपनी घटा रहे हो. पापा की 5 नहीं घटाओगे. 5 तो एक की घट रही है ना. 2 के 5 दोनों की 5 5 नहीं घटे. नालायक हो. 5 पापा के 5 सन के दोनों की कितनी हो जाएगी. 5 साल पहले. 5 साल पहले फादर और सन की आयु कितनी हो जाएगी. 47 साल. और रेशियो कितना है 5 साल पहले. 7 और 1. इस 8 की वैल्यू किसके बराबर आई. तो 1 की वैल्यू 5 की और 7 की और 5 1 की. ये कब आई है. 5 साल पहले. आप 5 5 वापिस जोड़ दो. पापा की 40 आपकी 10. कई बार अगर और भी आसान करना आपको 1 सेकंड के अंदर बिना देखे उड़ाना. 4 5 ऑप्शन भी होते हैं.
दोनों का जोड़ एक तो पहले ऑप्शन में चेक करोगे 50 आ रहा है, आ रहा है। 5 घटाना 35, 5 घटाना 5 और 35 का रेशियो 7:1, 5 एकम 5, 5 7 35, तो आंसर यही हो गया। बात समझ में आएगी, कुछ तरीके भी बदलने हैं आपको। बोले यस सर कर लूँगा, फिर अभी क्यों नहीं किया, गधे कर कर लूँगा नालायक। कह रहा है 45, तीनों की तीनों, तेरे से उम्मीद नहीं थी मुझे, ना लगे तो ठीक है चलो। मिटा दें क्या सर, मिटा दो। अगला क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं बोलेगा, एक एक कोने में लड़का बैठा है उधर, येलो येलो डल्टी फैलो, बोले इधर ही लड़की बैठी है, एक ये चश्मा लड़की बैठी है, तीन एक अरुण, ये चार बच्चे बताएंगे, बाकी सारे शांति से चुपचाप करेंगे, ठीक है। हाँ लिखिए, द सम ऑफ द एजिज ऑफ, द सम ऑफ द एजिज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 56 ईयर, पिता और पुत्र की आयु का कुल योग 56 वर्ष है। 56 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स द फादर एज ऑफ, फादर एज विल बी, आफ्टर 4 ईयर्स फादर एज विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। पिता और पुत्र की कुल आयु 56 वर्ष है, 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हैं? तीन गुनी, थ्राइस बोला, थ्री टाइम का मतलब थ्राइस ही होगा ना। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन रिस्पेक्टिवली आर, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी, बता दो जरा। चार बच्चों को बोला पहले इन चारों का आंसर आना चाहिए, बाद में तुमसे सबसे पूछूंगा जितने भी बैठे हैं सारे, क्योंकि चार बच्चे आंसर ही नहीं देते हैं, सब शांत रहते हैं मन ही मन में। वो गुटखा आता है जिसकी आजकल शाहरुख खान और अजय देवगन ऐड करते हैं, खा के बैठते हैं लगता है ये सब। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अभी येलो येलो एक जरा डंडा उठाओ, इसके सर में तो मार दो। मैंने बोला 4 साल बाद, ये 4 साल घटा रही है, हाथ के नीचे बैठी और गलती कर रही है। गलती उसकी नहीं है, तेरा दिमाग नहीं चलता। तेरा दिमाग चलता है, अगला क्वेश्चन तेरे से पूछो, चिंता मत कर। देखो फिर वही है, जब हमने बोला 3 गुनी है तो 5 गुनी कर दी इसने अपनी मर्जी से, 1 और 5 6 कहाँ से आए, नहीं है मेरे को दिख रहा है सर। चलो ठीक है कोई बात, 1244 बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई अरुण, अबे ना लायक, देख इधर बड़े वाले देख, तेरे पापा की और तेरी आयु का योग कितना है, 56 ईयर से 4 साल बाद, 4 साल तेरी भी बढ़ेगी और 4 साल तेरे पापा की बढ़ेगी, बोलो हाँ दोनों की बढ़ेगी, तो 4 4 कितनी हो गई, 8 जुड़ के कितनी हो जाएगी 4 साल बाद, 64। ये कब है, 4 साल बाद, और दोनों का रेशियो कितना बताए, 3 और 1, इस 4 यूनिट की वैल्यू, तो भाई 1 की वैल्यू
16 गुना 3 और 16 गुना 1, ये कब है? 4 साल बाद। तो वर्तमान में 4 4 घटा दो, 4 कितनी हो जाएगी? देखो दोनों का सम 56 भी आ रहा है। क्या यार बताओ, कैसे अच्छे बच्चे हो यार। बोलो मिटा दो सर। चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मिटा दे। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 6:1। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। आफ्टर 5 ईयर्स रेशियो बिकम 7:2। 5 साल बाद अनुपात 7:2 हो जाएगा। 5 साल बाद अनुपात 7:2 हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? भाई वाह, क्या बोल। जल्दी जल्दी आ रहे अब तो। आसान नहीं तरीका, आसान समझ में। अगर जीरो से टॉपिक चीज़ों को पढ़ते हो और घर जाके साथ के साथ वो टॉपिक बना लेते हो तो आसान लगेगी। अब कई बच्चे इस चीज़ को आज नहीं बनाएंगे, एक हफ्ते बाद बनाएंगे। एक हफ्ते तक वाइट वॉश हो जाता सारा चीज़, सफ़ेदी साफ है। और कई बच्चे आज एक टॉपिक पढ़ देते हैं, एक महीने बाद उनसे पूछो बताओ बताते नहीं वो, क्योंकि उनकी कॉपी मिलती नहीं कहीं भी। लिखते चीज़ों को नहीं, रिवाइज करते नहीं हैं। तो उनको 10 साल पढ़ा लो तो जब की वैसे ही रहेंगे वो। ठीक है, जो लिखता है रिवाइज करता रहता है काम हो जाता है। बोलो यस, मुँह से बोल। तेरे को देख के कई बार मुझे हुमायूं की याद आ जाती है, आज भी आ रही है ना। लाइक तू ऐसे ही आज, टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग लगा के पढ़ाई करनी है तो सारी चीज़ दूर रख। चले क्या क्वेश्चन था पढ़ के बता ना, पढ़ के बता क्या क्वेश्चन। नहीं लिखा है, हाँ तो बस तो यही है। नालायक पूरा कब लिखेगा तू ही बता। फादर और सन की वर्तमान आयु कितनी है? 6:1। अगर बेटा तू क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेगा ना तो देख तेरी ये फैमिली भी पूरी नहीं होएगी। ये किस क्वेश्चन पे डिपेंड है, समझ रहा है? हाँ पढ़ आगे। नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से होगी फैमिली? कब है? 5 साल बाद। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी, अंतर कितना है? यह अंतर तो जरूरी नहीं है सोल्व करने की। एक की वैल्यू और पुत्र एक ही था तो एक की वैल्यू कितनी है? ख़त्म। कुछ है इसमें? कछु है? कछु नहीं। नारा क्वेश्चन करा पूरा, पूरा तो लिखा तुम, और क्या लिखेगा? और क्या लिखेगा पूरा भी बता। नेक्स्ट लिखिए बेटा, जितने प्यार से इतने सिखा रहा हूँ ना चीज़ें, कसम से बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। लेकिन पता नहीं तुम लोग नहीं, तुम खास कर। द रेशियो ऑफ द, दोनों कोने पे जो बैठे हो दोनों के दोनों, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 5:3। एट प्रेजेंट इज 5:3। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात
5:3 है। आफ्टर 7 ईयर्स रेशियो बिकम 3:2, 7 साल बाद अनुपात 3:2 हो जाएगा। 7 साल बाद अनुपात 3:2 हो जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी? तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? गलत है। 105। गलत। अब मत बोलियो, गलत है। 120। गलत है। जब एक बार गलत आता है तो चीज़ों को दोबारा से क्या करो, कहीं डाटा गड़बड़ कर देते हो, लेकिन तुम उसी चीज़ को निकालते हो, पेपर के अंदर यही गलती करते हो, तब लगता है ज़्यादा टाइम। एक बार आंसर गलत आ रहा है तो चीज़ों को शुरू से लेके जाओ, फिर तो गलती नहीं होगी। ये तो बेचारी हाथ के नीचे बैठ के भी गलती करती है। करो, कोशिश करो, करो करो, शाबाश, बहुत अच्छी लड़की, कोशिश कर। 136। गलत है। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। पंकज का भी आ गया, ठीक करियो, ठीक करियो, यहाँ तक ठीक, आगे बढ़ो, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। किस किस की गुणा करी नीचे, किस की गुणा करी है? 6 और 7 की मल्टीप्लाई 56 आती है, 6 और 7 की मल्टीप्लाई तो 42 आती है। आंसर लिख दिया बस। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। क्या क्वेश्चन है? ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 5:3। कितने साल बाद? 7 साल बाद कितना बेटे? तो ज़रा मुझे बताओ अंतर कितना है यहाँ? यहाँ अंतर 1 का है। पहले अंतर को बराबर करो, हो गया अंतर बराबर, 5 से बढ़कर 6, 1 की वैल्यू, दोनों का सम कितना? तो 1 की 7 है तो 8 की, बताओ क्या था इस क्वेश्चन में? और ये लिख रही है 6 और 7, 56। अलग ही टेबल चल रही है यहाँ तो, वो जैसे वो टेबल चला 13 में से 5 के 7.5 बता रहा था, वो अलग ही टेबल चला रहे नाला एक। बढ़े आगे, चलो अच्छी बात है। ऐसे एक लड़का था, उसको मैसे ही बोलता था, अलग ही टेबल, अलग स्कूल चला रहा है। लेकिन बंदा नौकरी पे लगा और उसने अपने यहाँ पे प्ले स्कूल खोल के दिया किसी को, कैसे पढ़ा तो कहता सर आप बोलते थे ना अपने अलग स्कूल चला रहे, मैंने स्कूल खोल के दे दिया नौकरी लगने के बाद, तो ऐसे बड़ी खुशी भी होती है। नालायक को तुम मेहनत करो, जो पोस्ट चाहते हो पोस्ट मिलती है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा, लिखिए 9 क्वेश्चन, तू बताएगा। अब मैं देखो गलत आया मार्कर यहीं से फेंक के सर में मारूंगा, देख ले। चले लिखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 750 ईयर्स, ए और बी की वर्तमान आयु का गुणनफल, ए और बी की वर्तमान आयु का गुणनफल 750 वर्ष है, 750 वर्ष है। एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 6:5, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है।
6:5 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर ज्ञात करें, उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर ज्ञात करें। 25,000 वर्तमान आयु के बीच अंतर ज्ञात करें, गलत है। पंकज कितना है? अच्छा समझ गया मैं, क्यों बोला था? बहुत बढ़िया है। देखो क्या क्वेश्चन था, पढ़ के बता पंकज। किस किस की? ए और बी की प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट कितना है? अब जरा मुझे प्रोडक्ट बताओ क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल। देखो जब रेशियो होता है ना, रेशियो अगर मैं लिखूँ 5:4, मैं इनको जोड़ूँ तो, घटाऊँ तो, गुणा करो तो, लेकिन गुणा करने में एक दिक्कत होती है। रेशियो का मतलब होता है इसको हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। मैं 5:4 को लिख सकता हूँ 10, लेकिन जैसे मल्टीप्लाई की बात आती है यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर में चली जाती है। जैसे आगे पढ़, रेशियो क्या दे रखा है? 6:5। तो मैं रेशियो के साथ जब भी प्रोडक्ट की बात आएगी कुछ एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ जरूर लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ होता है। तो जरा दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6x × 5x कितना हो जाएगा? 30x² होगा। x × x, x² की वैल्यू कितनी है? तो 3 की वैल्यू। अगर मेरे भाई x² की वैल्यू 25 है तो जरा आप बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? अरे कितनी होगी? 5। तो दोनों का अंतर 5 × 6, 5 × 5, तो अंतर कितना है? अरे 5 साल। बात क्लियर है? जब भी मल्टीप्लाई की बात करेगी उसके साथ आप एक्स लगा लो, आई वाई लगा लो, सिकरेना का के लगा लो, दोनों की गुणा करी तो 6 × 5 कितना आया? 30x² बराबर रख दिया, एक्स की वैल्यू निकाल दी 5, दोनों का अंतर यहाँ से निकाल। क्लियर है? अरुण बोल क्लियर है, पंकज क्लियर है। अगला क्वेश्चन तू ही बताएगा। पूछ लो पंकज। चलो तू कह रहा था भाई, मैं वैसे मिच्छा नहीं थी लेकिन तू कह रहा था पूछ लेता हूँ। मिटा दे क्वेश्चन नंबर 10। मात्र 1.5 क्लास का टॉपिक है या मैक्सिमम 2 क्लास, एक आज एक और क्लास लग जाएगी, खत्म है टॉपिक। लिखिए क्वेश्चन 10। ए मैन एज इज 150% ऑफ विच इट वॉज 10 years ago, विच इट वॉज 10 years ago, बट 75% ऑफ वट इट विल बी आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years वट इज इज प्रेजेंट एज। एक आदमी की आयु
10 साल पहले की आयु की 150% है। एक आदमी की आयु 10 साल पहले की आयु की 150% है, लेकिन 10 साल बाद की आयु की 75% रह जाएगी, लेकिन 10 साल बाद की आयु की 75% रह जाएगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? उसकी वर्तमान आयु क्या है? गलत। बीस तो ऑप्शन में भी नहीं है गधे। आपकी बुकलेट में मिक्स दे रखे हैं क्वेश्चन, अलग नहीं है टॉपिक, ठीक है, लेकिन हम अलग बता रहे हैं आपको। 22 शाबाश, गलत आ रहा है। किस किस को आता है क्वेश्चन? पंकज कहा हुआ रे लल्ला, फिर पढ़ो क्वेश्चन क्या था। 150% है 10 साल पहले की आयु की, कितनी है? 150% का काटा की कितना लगाते हैं? 150 से काटा, यानी 10 साल पहले 2 का था तो आज कितने का है? 3 का। क्या ये बात लिख सकते हैं? चलो आगे पढ़ना। 10 साल बाद की आयु की 75% का मतलब 75/25 से काटा, यानी 10 साल पहले 3 का था, 10 साल बाद, क्लियर है? चलो देखो, 2 से 3 कितना बड़ा? 1 की वैल्यू, या आप यहाँ से कर लो, 3 से 4 कितना बड़ा? 1 की वैल्यू 10, तो प्रेजेंट में कितना है? तो 3 की वैल्यू। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में? लेकिन एक्स वाई से करते तो बहुत कुछ था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल। परसेंटेज बनाने देखो, 10 साल पहले की 150%, इसका मतलब यानी 10 साल पहले 2 का था तो आज कितने का, और 10 साल बाद की 75%, इसका मतलब आज 3 का तो 10 साल बाद, तो 1 की वैल्यू 10 से यहाँ से ले लो, यहाँ से बराबर वैल्यू आएगी, नहीं आएगी बराबर तो बराबर करनी पड़ेगी, लेकिन ऑटोमेटिक बराबर मिल रही है आपको 10, तो वर्तमान में कितना है? तो 3 की 30, 10 साल पूछता तो बाद पूछता तो 40, 10 साल पहले पूछता तो 20, क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन तू बताएगा। केसर मिटा दो, देख लेंगे क्वेश्चन को, मुझे नहीं। डालें इतने आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन एक एक किताब भी उठा के देखना आप, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। लिखिए, ये तो बारीक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा लिखा हुआ। इफ द एज ऑफ पी एंड आर आर एडिड टू ट्वाइस द एज ऑफ क्यू, ट्वाइस द एजेस ऑफ क्यू, यदि पी एवं आर की आयु के योग को, यदि P और R की आयु के योग को Q की दोगुनी आयु के साथ जोड़ दिया जाए, Q की दोगुनी आयु के साथ जोड़ दिया जाए, देन टोटल बिकम 59, तो कुल 59 वर्ष हो जाती है, तो कुल 59 वर्ष हो जाती है। उसके बाद लिखिए, इफ द एजेस ऑफ Q एंड R, If the ages of Q and R are added to thrice the age of P,
यदि क्यू और आर की आयु के योग को यदि क्यू और आर की आयु के योग को पी की तीन गुनी आयु के साथ जोड़ दिया जाए, पी की तीन गुनी आयु के साथ जोड़ दिया जाए देन टोटल बिकम 68, तो कुल 68 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है? 68 वर्ष। फिर लिखना एंड इफ द एजेस ऑफ पी इज एंड इफ द एजेस ऑफ पी इज एडेड विद थ्राइस द एजेस ऑफ क्यू एंड थ्राइस द एजेस ऑफ आर थ्राइस द एजेस ऑफ क्यू एंड थ्राइस द एजेस ऑफ आर देन टोटल बिकम 108। यदि पी की आयु को क्यू की तीन गुनी आयु तथा आर की तीन गुनी आयु के साथ जोड़ दिया जाए तो कुल 108 वर्ष हो जाती है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पी, तो पी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। घटिया सा क्वेश्चन, बस इतना बड़ा देकर डर जाते हैं बच्चे, बैंक पीओ के अंदर आया क्वेश्चन, लेकिन मुझे नहीं लगता ये एमसीडी उसका एमसीडी बोलते क्या बोलते उसको एमटीएस का भी लेवल का क्वेश्चन है, या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो सबसे लो लेवल कार्य होता है ना, झाड़ू सफाई कर्मी वाले, उसमें भी नहीं आता, ग्रुप डी से भी लो लेवल का क्वेश्चन। कई बच्चे होते हैं क्लास के बीच में एक घंटे के अंदर 10 बार घड़ी देख चुके होते हैं बेचारे, कई बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट से। किस किस को आता है? भाई वाह, शाबाश भाई। देखो जरा मैं बताता हूँ, पढ़ भाई क्या लिखा है क्वेश्चन। पी और आर के एज को क्यू की ट्वाइस के साथ जोड़ा जाता है टोटल बिकम 59। कंफर्म सही बताइए भाई, सारे मैच भी करते रहना। Then total become 68 years. आगे ages of P is added with thrice ages of Q and thrice ages of R. Then total become 108. पूछी किसकी है? P की। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया? देखो इस लाइन को उठा के मैं सोल्व कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ दोनों से तीन कॉमन ले लिए। बोलो यस सर, ले सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो। ये Q प्लस आर है, ये क्या है प्लस में, इस 2P को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कि सर बिल्कुल ले जा सकते हो, आपका बोर्ड है, आपका मार्कर है, कहीं भी ले जाओ। तो Q प्लस आर की जगह मैं क्या पुट कर दूँ? 68 माइनस 2P। तो देखो P प्लस तीन से गुणा किया, तीन से किया होगा पी है, ये कितना है 6P, यही होगा ना, प्लस तीन था ना, यहाँ पे तीन कॉमन लेंगे और क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी थी? अच्छा यही होगा, बिल्कुल पी में से 6P गया तो -5P, यही होगा। और 108 में से 204 गया तो कितना बचा, कितना बचेगा? कहीं गड़बड़ की है? नहीं बिल्कुल ठीक है, कहीं गड़बड़ तो हुई नहीं हमारी। तो कितना आएगा भाई? 96। कहीं तो गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से सारे, मैं पढ़ देता हूँ। पी प्लस आर को क्यू के दो गुने के साथ जोड़ाता है 59, क्यू प्लस आर को तीन गुना है भाई, ये
ये नालायक 3p है, इधर जाके कितना हो जाएगा 3p होगा बिल्कुल। अगर ये 3p होगा तो कितना हो जाएगा ये 3 3 जा 9p, 5 में से 9 में से गया तो 8, 8p की वैल्यू कितनी माइनस का 96, माइनस से माइनस काट गया तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 साल हो जाएगी। भाई क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, देखो 2p से तो पॉइंट में एज जा रही थी, है ना। अब मैंने कहा मैथ्स करते रहना सारे, वो बोलता भी नहीं है भाई। वाह कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग यार, ऐसे बच्चे लालटेन लेके भी ढूंढो उजाला में नहीं मिलते। दांत बंद कर, 64 के 64 दांत टूटेंगे। आपने सुना नहीं था सर? अच्छा सुना ही नहीं तुम, 3p बोला था इसने। सॉरी शक्तिमान, सॉरी गंगाधर, तू शक्तिमान चश्मा नहीं लगाता था। दो डेढ़ घंटे की, दो घंटे की मजे मजे में, मजाक मजाक में पढ़ते रहा करो। अब तुम बड़े बच्चे हो गए, तुम छोटे नहीं रहे हो। सीरियस रहोगे तो क्लास के अंदर बोरिंग सा माहौल हो जाएगा, सीरियस नहीं रहना है। और 64 दांत इसलिए बोले थे, 32 रे 7 वाले ऐड करके बोले थे, तो पीछे बैठा बोलता नहीं कोई भी क्वेश्चन। हालांकि उसके 31 तो टूटा हुआ पहले से ही, कुछ दिन पहले तोड़ दिया था एक हमने इसका। मिटा दें, टोटल 22 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, 14 आज कराऊंगा पहला पार्ट, 8 कराऊंगा दूसरा पार्ट, 8 क्वेश्चन मैक्सिमम 40 मिनट में हो जाएंगे, दो क्लास में टॉपिक लिखिए। जयेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय, जयेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय, जयेश विजय से दोगुना बड़ा है, जयेश विजय से दोगुना बड़ा है, एंड हाफ एज ओल्ड एज सुरेश, और सुरेश का आधा है। इफ द सम ऑफ सुरेश एंड विजय एज इज 85 ईयर्स, सम ऑफ सुरेश एंड विजय एज इज 85 ईयर्स, सुरेश और विजय की कुल आयु 85 वर्ष है, वट इज जेस एज इन ईयर्स, तो जेस की आयु वर्ष में कितनी है, जेस की आयु वर्ष में कितनी है बता दो। जब तक हम जल लेते हैं, अब बताओ इसको। क्या बंद कर दे, क्या हो गया, बंद नहीं कर सकते, टेम्परेचर 34 था। कितनी, बिल्कुल ठीक है, रेशो देखो इसी में यूज होगा। मैंने कहा पीछे टॉपिक जो भी पढ़ा यूज होते रहेंगे, पढ़ बेटा क्या क्वेश्चन था एक बार। जे सीज, अच्छा ट्वाइस द एज ऑफ विजय, हाफ ऑफ सुरेश, और सुरेश का आधा है, क्या यही होगा। जे देखो विजय से दोगुना, सुरेश का आधा, तो सुरेश को डबल कर दो, उसका ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आगे सुरेश 4 है और विजय 1 है, दोनों का मतलब टोटल 5 यूनिट की किसके बराबर है, तो
एक यूनिट की 17। पूछा किसकी एज है? जेस कितना था? 17 × 2 बताओ क्या था इसमें? कुछ था फिर? हट जाऊँ? हो गया? हाँ भी पक्का? अगला क्वेश्चन तू ही बताएगा। मेरी वजह से गलत हो रहा है? अच्छा नाम बदल ले भाई अपना। अच्छा इन्हीं का मुझे तेरे नाम की वजह से गलत हो रहा है। कई बच्चे होते ना तांत्रिक वांत्रिक से पूछ पाछ करते हैं, नाम सही करा ले नौकरी लग जाएगी। तू भी ठीक करा ले, ठीक है? साहिल में एक ए और जोड़ दे, एक आई और जोड़ दे, होता ना ऐसा? ऐसा महाराज जी से मत मिला करना रे। हाँ क्योंकि हिंदुस्तान क्या है, कैसा देश है? बाबाओं का ही देश है, धार्मिक। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे बाबा इस दुनिया में हुए तो उनकी बात किसी की माननी भी चाहिए, किसी की नहीं माननी चाहिए। चलो मैं बच्चे तो मुझे सुनानी ठीक नहीं बात है अभी यहाँ पे। बढ़िया के क्वेश्चन नंबर 13। और लेकिन बाबाओं को एक कार्य बड़ा अच्छा कर दिया, अगर कोरोना काल में आपको रिवेन्यू जनरेट करना है, पैसा कमाना है, तो टिकट लगा दो। जैसे अब आगरा की ताजमहल की टिकट लगती है, कितना पैसा लोग देखने जाते हैं? नहीं, आप टिकट लगा दो कि बाबा राम रे की गुफा की टिकट 100 रुपये, खोल दी गुफा तो देखने जाएंगे सब हनीप्रीत कौन सी गुफा में रहती थी 100 रुपये के हिसाब से, या राम उसका राम रहीम की। मैं जाग नहीं कर रहा, देखो इससे रिवेन्यू इकट्ठा, लोगों को आकर्षण है, जानना चाहते हैं क्या था क्या नहीं था। आप लोग हर चीज़ को उसमें समझते हो तो रिवेन्यू जनरेट होगा सरकार के पास। लिखिए, द रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन आर 41 and 16 years। पिता और पुत्र की आयु क्रम से 41 वें 16 वर्ष है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर बी, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर बी ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन, ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। कितने वर्ष में पिता पुत्र से दोगुना बड़ा हो जाएगा? ये तो बता दो अब क्वेश्चन। दो ही बच्चे रह गए, सबने जवाब दिया ही का, एक अरुण और एक लड़की। अरुण के तो समझ सकते हैं कि जिस दिन भोला खा लेता उस दिन आंसर निकलते ही नहीं, लेकिन तुम तो नालायक हो, तूने तो नहीं खा रखा ना, बता फिर शाबाश। धीरे धीरे हम खान सर से कुछ ये सीख रहे, खान सर ऐसे मज़े ले जाके पढ़ाते थे, मैं कहा ऐसे मज़े होने चाहिए बच्चों के साथ, बच्चों का भी इंटरेस्ट बना रहेगा, क्वेश्चन के क्वेश्चन सोल्व होंगे। अबे नालायक को जरा एक बात बताओ, फादर की और सन की एज कितनी देर की? 41 और 16। कितने साल बाद कितनी हो जाएगी? मैंने कहा अंतर क्या होगा, तो आंसर को सेम करना भाई, यहाँ अंतर, यहाँ अंतर, तो इसको 25 से गुणा कर दो, क्या अंतर बराबर हो गया? नहीं हो गया। तो कितने साल बाद दुगुनी हो रही है? देखो 25 का दुगुना 50, कितने साल बाद? यहाँ भी देखो सेम आएगा, खत्म। या ऑप्शन जोड़ दिया करो, मान लो ऑप्शन में 9 दे रखा, 41 और 9 50, 16 और 9 25, दुगुना हो रहा नहीं हो रहा, खत्म। कुछ चीज़ों को टेक्निकल तरीके से भी टैकल करो, एक ही चीज़ बता रहा, एक ही तरीका बताना, गैप को बराबर करना है। नहीं करोगे तो मैं मेरा क्या ले लोगे, अपना नुकसान करोगे, ठीक है? अभी तो हम बोल रहे हैं पढ़ लो, साल दो साल और बोल सकते हैं हम आपको, या 6 महीने और बोल सकते हैं कोर्स तक का, फिर आप क्या कर लोगे?
बेटा मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत साथ 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 कर लेते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं करते हो तो मैथ का मतलब ये है प्रैक्टिस छूट गई तो दोबारा मैथ सीखने आना पड़ेगा, टच में रहेगा तब तक मैथ आता है, जिस दिन छोड़ दिया उस दिन साफ है मैथ, ठीक है ना। हाँ ये भी चीज़ है, नहीं तो फिर अपना पैसा खराब करोगे दोबारा फिर आप, और समय, पैसा तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग कमा लोगे, अरबपति आदमी करोड़पति आदमी बैठते हो तुम सब, लेकिन समय कहाँ से लाओगे। लिखो एज 20 ईयर्स ओल्डर देन बी, ए बी से 20 वर्ष बड़ा है, एंड ही इज ऑल्सो 6 टाइम एज ओल्ड एज बी, वह बी से 6 गुना बड़ा भी है, देन द रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन ईयर्स, देन द रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द ईयर्स, ए और बी की आयु वर्ष में कितनी है, ए और बी की आयु वर्ष में कितनी है, बताओ। शाबाश, 28 गलत आ रहा है, अलग अलग बतानी दोनों की, बिल्कुल ठीक है। बंद कर लिया भाई लगता है फोन, अभी आया पंकज है ना लाइव। ए बी से कितने वर्ष बड़ा है, यानी मैं कह सकता हूँ ए और बी में अंतर कितना है और कितने गुना बड़ा बोला है, तो 6 और 1 का अंतर कितना, 5 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू तो 4 और 24, क्लियर है। ये था आपका पार्ट वन, पार्ट टू में मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चन छोड़े, सिर्फ कितने क्वेश्चन, सिर्फ 8 क्वेश्चन छोड़े, 8 या 9 क्वेश्चन आपका चैप्टर छोटा सा पूरा, फिर इसके बाद आप क्या शुरू करेंगे पार्ट टू से, इसी का लास्ट, वो भी छोटा टॉपिक है, एक यूनिट आपकी रेस्ट वाली ज़िंदगी में क्वेश्चन अटक जाए अगर इस बार बार इस चीज़ों को कर लेते हो तो, उसके लिए हम बैठे, लेकिन आप करें कौन, आप ही करोगे, मैं थोड़ी करूँगी, निकालियो भैया उधर से, लाल पे कनेक्ट करके बंद करके निकालियो, शाबाश, लड़की के पैर लगेगा नहीं तो कन्या के।